फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और पिछली बार मैंने रूपक बीट पर एक वीडियो का ट्यूटोरियल बना के डाला था, और इस बार कहरवा बीट का ट्यूटोरियल मैं डालने जा रहा हूँ। और कहरवा बीट एक इंडियन बीट है, वेस्टर्न में इसे 8 बीट कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 मात्राएँ होती है, और 16 बीट भी कह लीजिए क्योंकि 8 बीट का डबल 16 हो जाता है, वो डबल फ्रेम में आ जाता है। और इसको शॉर्ट करेंगे तो 4 बीट भी रहता है, 4x4 कहते हैं वेस्टर्न में, और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं इसके, लेकिन इंडिया में हम इसको कहरवा बीट ताल बोलते हैं, कहरवा ताल, जो कि 8 मात्रा की ताल है। और इसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं, धा गे न ति न क धिन न, धागे नति नक धिन। कोई कोई इसको बोलते हैं कि धागे नति नक धिन, और 8वीं मात्रा खाली बोलते हैं, कई कई जने इसको बोलते हैं धागे नति नक धी न, 8वीं मात्रा पे न बोल बोलते हैं। खैर जो भी है, अपने अपने हिसाब से इसको लोग यूज़ करते हैं, बजाते हैं, और इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो एक सिंपल सा वेरिएशन हम बनाना सीखेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। सो FL स्टूडियो जब हम ओपन करते हैं तो यह हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि वैसे मैं YouTube चैनल जो है वो अर्निंग के लिए या ऐसे उसके लिए नहीं चला रहा हूँ, शौक के लिए चला रहा हूँ, फिर भी प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब्स ज़रूर करें, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ी हेल्प करें, मेरे अभी तक 200 सब्सक्राइबर्स हैं इसलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने मेरे पुरानी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से हम इसका बार पर बीट का और बीट पर बार का हम यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर 8 बीट के हिसाब से कॉलम उन्होंने दिए गए हैं, तो हमको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम डायरेक्ट हम पैक में चलते हैं, और मैंने जैसे कि इंडियन पैक में तबला सैम्पल कुछ हैं ये मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, तो इसमें हम ढूंढते हैं। अब देखिए मेरे पास जो सैंपल है उसमें मैं मैच करूँगा धागे नति नक दिन से, कितना सिमिलर वॉइस मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस सैंपल के थ्रू। अगर आपके पास और अच्छे सैंपल है तो आप और अच्छी बीट बना सकते हैं। चलिए इनमें मैं देखता हूँ, तो धा के लिए मुझको ये थोड़ा सा सही लग रहा है। नेक्स्ट हमारा बोल है गे, धा गे, धा गे, अभी ना, के न ती, धागे न ती न क, धा के न ति न क धिन न। धा के न ति न क धिन न, अभी धिन हमारे पास में नहीं है, मेरे पास में नहीं है, तो धिन का साउंड क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसके साथ में कुछ मैच करके देखता हूँ मैं। हाँ, ये थोड़ा धिन का साउंड क्रिएट कर रहा है। ओके, तो हमारे पास हमने ये पैक सेट कर लिए हैं। अब टेम्पो जो मैं सेट करता हूँ किसी भी बीट का, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबको हाईलाइट करके फिर मैं प्ले करता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 90 पे देखता हूँ।
आगे न ते न कधी न, तो 90 पे मेरे हिसाब से सही है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं और देखिए बिल्कुल आसान बीट है, धागे न ते न कधी न। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक एक कॉलम छोड़ के एक एक इंस्ट्रूमेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। बस ये दोनों हमने एक जैसा करना है क्योंकि हमको धिन की साउंड क्रिएट करनी है, इसलिए दोनों। अब देखिए तो फ्रेंड ये हमारी धागे नती नक धिन बन चुकी है। अगर हम इसको चाहें तो और अपने हिसाब से इसको और बेहतरीन बना सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा मेरे तबला सैंपल के साथ में मैं हमेशा वेस्टर्न का टच देता हूँ, तो वेस्टर्न का टच देने के लिए मैं जाता हूँ ग्रूव किक, मेरी फेवरेट है, हाई हैट के अंदर 808 CH क्लोज आई हैट मेरी फेवरेट है, तो हमेशा मैं ज़्यादातर में यूज़ करता हूँ, और स्नेर के अंदर 808 स्नेर, ये कॉमन स्नेर है जो बहुत सारे हिप हॉप बीट्स के अंदर यूज़ की जाती है, तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपकी जो बीट की क्वालिटी है वो सीधी सी डिपेंड करती है कि आपके पास जो सैंपल पड़े हुए हैं इंडियन बीट के वो किस तरीके के हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर आपके पास अच्छे सैंपल पैक हैं तो आप और भी अच्छी बीट से सकते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा thank you.
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके से आप जो 8 बीट इंडियन 8 बीट है कहरवा, उसको बना सकते हैं धागे नती नाका धीना, इस बोल को ध्यान में रखते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको यही बोल मिले, आप दूसरे बोल भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। बस इसमें यह है कि 8 बीट के अंदर ही आपको बनानी है, 8 मात्राएं होनी चाहिए, और आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग वेरिएशन में बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 8 मात्राएं हैं, आप चाहें तो 16 बीट पे उसको बनाएं, 16 बीट पे बना के उसमें ज़्यादा वेरिएशन डाल सकते हैं। मैं हमेशा बीट्स बनाता हूँ तो मैं ज़्यादा बार तक बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इतनी सी है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लंबा करूँ मैं ज़्यादा, ताकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन दिखा सकता हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।